नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के टक्कर में तो कोई तक अभी तक नहीं दिखता है। खेसारी लाल यादव का चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है और खेसारी लाल यादव के नाम जिसका भी जुड़ता है उसकी एक अलग पहचान, रेपुटेशन, वैल्यू और भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका एक अलग स्वैग दौड़ने लगता है। चाहे अभिनेत्रियों की बात कर लें या फिर उनके यूट्यूबरों की बात कर लें या फिर उनके मैनेजर की बात कर लें या फिर राइटरों या फिर म्यूजिक डायरेक्टरों की बात कर लें, तमाम लोग जो खेसारी लाल यादव के साथ जुमकर काम करते हैं उनकी उपलब्धियां भोजपुरी दर्शकों के दिल में नजर आती है और हर कोई उनके जो साथ रहता है उनके बारे में पहचानता नजर आता है। लेकिन इसी कड़ी में आपको पता होगा कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव को लेकर फैंस इतना ज्यादा एडिक्टेड थे कि उनके फिल्म, सिनेमा, स्टेज शो या फिर उनके गाने हो, उनको देखने के लिए पूरा का पूरा जबरदस्त तरीके का प्यार देते थे। लेकिन किसी कारणवश एक साल पहले काजल राघवानी को घमंड हो गया या फिर कोई विवाद हो गया, ये अभी तक तो कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के बारे में तमाम ऐसी बातें बोल दी जिससे फैंस भड़क गए थे और काजल राघवानी अपने अलग रास्ते हो गई और खेसारी लाल यादव अपने अलग रास्ते हो गए। खेसारी लाल यादव का जो किला है वो लगातार जबरदस्त तरीके का आगे बढ़ता नजर आया, लेकिन काजल राघवानी विलुप्त नजर आई। मतलब कि यह है कि काजल राघवानी के बगावत का फल खेसारी लाल यादव ने जबरदस्त अंदाज में दे दिया और काजल राघवानी आज इस जगह पर खड़ी है जहां से भोजपुरी के दर्शक बखूबी पहले जो नाम लेते थे वो अब उनके नाम को लेने से कतराते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अभिनेत्री के तौर पर जब खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रही थी और विवाद के बाद जब अलग हुई हैं तो उनको कौन पूछता है, ये बखूबी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। और किसके बहकावे में आकर काजल राघवानी ने ऐसा फैसला लिया है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।